की पावर 2x, 1 प्लस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। अब देखो यहाँ पर e की पावर x की जगह e की पावर 2x आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2x को t मानना पड़ेगा। तो dx आ गया आपका dt/2, dx क्या आ गया dt/2। अब हर 2x की जगह तो t रख दो, देखो 1/2 e की पावर t, 1 प्लस sin t अपॉन 1 प्लस cos t dt। इस तरह से ये e की पावर t में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद वही का वही करना है जो अभी पहले कर ही चुके हैं अपन। 1 प्लस 2 sin t/2 cos t/2, 2 cos²t/2, अलग अलग कर दो। 1/2 sec²t/2 +tan t/2। तो हम क्या देख रहे हैं, 10 t/2 का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1/2 sec²t/2। तो ये एफ टी हो गया आपका, एफ टी 10 t/2, एफ डैश टी 1/2 sec²t/2। तो 1/2 e की पावर t एफ टी +1 f डैश t। तो आंसर आ गया 1/2 e की पावर t f t बाय प्रॉपर्टी। t की वैल्यू 2x और tan 2t, t की जगह 2x हो गए तो x प्लस c, ये इसका वैल्यू होती है 1/2 e की पावर 2x tan x प्लस। मतलब कुल मिला के बात ये है, यदि x की जगह और कुछ भी आ रहा है तो उसको फिर आपको t मानना पड़ेगा, फिर प्रॉपर्टी लगेगी। देख लो, और देखो √1 - sin x 1 प्लस cos x dx। √1 - sin x e की पावर -x/2 अपॉन 1 प्लस cos x dx। -x/2 = t, तो dx = -2 dt। 1 - sin x की जगह -2t, 1 प्लस cos -2t और dx e की पावर t -2 dt। -2 भाग sin - θ इज -sin θ, cos - θ इज cos θ। तो ये आ गया sin t + cos t और नीचे हो गया बेटा 1 प्लस sin 2t होता है sin t + cos t। √1 + sin 2t होता है
वन प्लस साइन टू टी होता है साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। वन प्लस साइन टू टी क्या होता है, देखो तो मैं इधर लिख रहा हूँ, वन प्लस साइन टू टी, वन को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और साइन टू टी को टू साइन टी कॉस टी, तो ये आ गया साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर इस तरह से, साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, साइन टी प्लस कॉस, और नीचे आ गया टू कॉस स्क्वायर टी बाई टी, ई की पावर टी डी, ये टू से ये टू कैंसिल। अब अलग अलग कर दो, माइनस टेन टी सेक टी प्लस सेक टी, सेक टी का डेरिवेटिव टेन टी सेक टी, टी की वैल्यू माइनस एक्स बाय टू सेक माइनस एक्स बाय टू, और सेक थीटा सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा, ये आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय टू सेक एक्स बाय टू प्लस सी, सेक एक्स बाय टू प्लस, ये वैल्यू आ गई। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूं उस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को टी मानेंगे बेस ही। अब देखो लॉग एक्स को टी मानते तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि मुझे लॉग को इधर लेके जाना है तो ये हो गया एक्स इक्वल टू ई की पावर टू, ऐसे जाता है ई की पावर टू, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग। तो डीएक्स हो गया आपका ई की पावर टी डी टी, रख दो लॉग ऑफ टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर ई की पावर टी डी, ये आ गया लॉग टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर ई की पावर टी डी टी, ई की पावर टी डी टी, बोलो लॉग टी का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग टी का डेरिवेटिव वन बाई टी। तो मैं क्या करूंगा, वन बाई टी, इसमें यही ट्रिक है, वन बाई टी एड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन बाई टी प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, तो प्लस वन बाई टी माइनस वन बाई टी, इससे क्या फायदा हुआ अभी समझ में आ जाएगा। लॉग टी ई की पावर टी डी टी माइनस वन बाई टी प्लस वन बाई टी स्क्वायर ई की पावर टी डी, इसका डेरिवेटिव ये रहा और इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो ये हो गया आपका लॉग टी ई की पावर टी प्रॉपर्टी से, और ये हो गया माइनस वन बाय टी ई की पावर टी प्रॉपर्टीज, बाय प्रॉपर्टी लिख दो बस, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस, ई की पावर टी कॉमन आ गया लॉग टी माइनस वन बाय टी, ई की पावर टी की वैल्यू एक्स
टी की वैल्यू लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस वन अपॉन लॉग प्लस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्योंकि आपने लॉग एक्स को टी माना जो उससे सोल्व किया। चलिए अब की क्लास, अभी की क्लास ये इतनी, कल आपका ये इनडेफिनेट कंप्लीट हो जाएगा।